थाईलैंड से मेरा संपर्क किस तरह हुआ ये मुझे स्वयं भी ज्ञात नहीं। ये बात 1977 की होगी। मैं यूरोप की यात्रा पर था और उस समय ये बर्लिन की बात है कि मैं भाषण देने के लिए जा रहा था। वहाँ एक संस्थान है, भारतीय विद्या संस्थान, तो वहाँ से एक पगडंडी जाती है ऑडिटोरियम की ओर। तो मैं उस पगडंडी पर से जा रहा था, तो हम मेरी धर्मपत्नी भी थी साथ में। तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि आई एम फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ इंडिया, आपके लिए एक टेलेक्स है। अच्छा, वो टेलेक्स मैंने लिया और मैंने उसको फोल्ड किया और अपने ये पॉकेट पर रख लिया। तो क्योंकि भाषण के समय बहुत उस समय के मूर्धन्य विद्वान वहाँ उपस्थित होने वाले थे, तो एक तनाव से मैं था। मैंने कहा इसको टेलेक्स को बाद में देख लेंगे, जो होगा क्या होगा। मैं गया ऑडिटोरियम में, मैंने भाषण दिया, भाषण बहुत पसंद आया लोगों को। और जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे उसकी याद आई कि एक व्यक्ति आया था, उसने कहा था कि मैं भारतीय दूतावास से हूँ और उसने एक टेलेक्स दिया था, तो मैंने पॉकेट में हाथ डाला और वो टेलेक्स निकाला। तो वो मैं उसे पढ़ने लगा, तो मेरी धर्मपत्नी भी उचक करके, वो पीछे पीछे आ रही थी, तो उचक करके भी देखने लगी उत्सुकतावश के क्या है इसमें लिखा। तो उसमें ये लिखा हुआ था, योर नेम सजेस्टेड, यानी मैं अक्षरशः उद्धृत कर रहा हूँ, योर नेम सजेस्टेड फॉर विजिटिंग प्रोफेसरशिप एट द चोलामंडलम यूनिवर्सिटी बैंकॉक, यानी काइंडली इंटीमेट एंड कंसेंट इमीजिएटली। अच्छा, अब मैंने जब पढ़ा तो मैं कुछ चिंता में पड़ गया, क्योंकि अपने जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय होते थे उनके विषय में मैं अपने पिताजी से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेता था। तो अब मैं तो सातों समुद्र पार था, तो और उन दिनों में उस तरह के साधन नहीं थे जो आज साधन उपलब्ध हैं। अब ईमेल से भी और व्हाट्सएप से और किस किस तरह से संपर्क कर सकते हैं, तुरंत ही कर सकते हैं। तो मतलब टेलेक्स ही एक साधन था जो फास्ट कम्युनिकेशन का हो सकता था। फिर मेरे मन में आई कि भारत सरकार यदि किसी को कोई काम करने के लिए कहती है तो एक नागरिक होने के नाते और एक लॉयल सिटीजन होने के नाते मुझे उस आदेश का पालन करना ही है। अच्छा, अब टेलेक्स मुझे मिला तो उसमें ये जो शब्द थे कि कन्वे कंसेंट इमीडिएटली, इसका अर्थ ये है कि मेरी उपस्थिति वहाँ पर बैंकॉक में शीघ्र अपेक्षित होगी, तभी तो ये शब्द लिखा गया है। तो इसलिए मुझे और भी बहुत से देशों में जाना था, जर्मनी से वहाँ पोलैंड भी, हंगरी भी, चेकोस्लोवाकिया भी, इन सब देशों में, और कहीं तो 10 दिन रहना था, कहीं 7 दिन रहना था, कभी 5, कहीं 5 दिन रहना था। तो मैंने फिर अपने सारे कार्यक्रम को संक्षिप्त किया, जहाँ 10 दिन रहना था वहाँ उसको 6 दिन में संक्षिप्त कर लिया, जहाँ 5 दिन रहना था वहाँ 3 दिन के लिए, जहाँ 3 दिन रहना था वहाँ 1 दिन या 2 दिन के लिए, वो सारा नया कार्यक्रम मैंने बनाया। और मैं यहाँ पर वापस आ गया। आने के बाद मुझे तब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत था, तो मुझे विश्वविद्यालय से अवकाश भी लेना था, तो वो प्रक्रिया उसमें भी समय लगता है। मुझे ऑन डेपुटेशन जाना था, तो मेरे मैंने वो सारी प्रक्रिया भी पूरी की और 7 अक्टूबर 1977 की रात मैं थाई देश की धरा पर था। अब उस समय वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था और 5 बजे मैंने अर्ली मॉर्निंग से पहले कोई व्यक्ति एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता था। मेरा प्लेन वहाँ पर को लगभग 1 या 1.5 बजे पहुँच गया था। मैंने एयरपोर्ट पर ही प्रतीक्षा की। इस बीच में एक व्यक्ति आया,
जैसे मैं प्लेन से बाहर आ रहा था, यानी इमिग्रेशन पार करके, तो आया तो उसने मेरे हाथ में एक लिफाफा थमा दिया। उस लिफाफे में उस होटल का एड्रेस था जिसमें मेरी आवास की व्यवस्था की गई थी और कुछ थाई मुद्रा थी, मैंने अपने पास रख ली। 5 बजे मैं एयरपोर्ट से निकला और मैंने टैक्सी वाले को मैंने वो उक्का भी दिखा दिया जिस पर होटल का नाम और पता लिखा था। तो उसने पढ़ा उसको, साकून, तो उसने ये साकून शब्द कहा उसने, और टैक्सी स्टार्ट कर दी। मैंने सोचा कि ये साकून जो है ये कोई कदाचित थाई शब्द होगा, तो तब कोई ज्ञान भी नहीं था थाई भाषा का। तो जब मैं उस होटल पर पहुंचा तो मैंने बड़े बड़े अक्षरों में SAKOL ये लिखा हुआ पाया। तब मैंने कहा ये तो सकल शब्द है, सकोल है, सकोल यानी वो अ की तरह से उच्चारण है। हमारे यहाँ भी ये पूर्व में अ का ओ तरह से उच्चारण किया जाता है बंगला में, उड़िया में, तो वही स्थिति है आसमिया में। तो मैंने कहा ये सकल शब्द है संस्कृत का। आश्चर्य, मैंने कहा क्या सुंदर संस्कृत का शब्द है। वो मेरा प्रथम परिचय था थाई भाषा में संस्कृत शब्दावली का। मुझे क्या पता था कि इसने ही मेरे जीवन भर के अध्ययन का विषय बनना है। वहां से फिर मेरी यात्रा प्रारंभ हुई और मैं जब होटल में मैंने चेक इन किया और चेक इन करने के बाद बस मैं सोचा, मैंने कहा सारी रात में जगा हूँ, थोड़ा सा विश्राम अपेक्षित था मुझे, मैंने तत्काल चेंज किया और सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तभी तुरंत ही टेलीफोन की घंटी बजी, उन्होंने कहा कि आई एम विशुद, यानी आई एम वेटिंग फॉर यू एंड एट द रिसेप्शन एंड वी विल हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर। मैंने कहा जस्ट आई विल बी विद यू इन अनदर 5 मिनट्स। तो फिर मैंने चेंज किया और वहाँ पहुँच गया रिसेप्शन पर। हम दोनों वहाँ मिले तो प्रोफेसर विशुद से मेरा परिचय पहले से ही था। वो यहाँ ICCR के इन्विटेशन पर आए थे और एक अपराह्न उन्होंने हमारे साथ बिताया था। हमने एक साथ ब्रेकफास्ट लिया, तब बातचीत में उन्होंने बताया कि मुझे वहाँ की राजकुमारी को पढ़ाना है। तब तक मुझे इस बात का कोई आभास भी नहीं था। अच्छा ठीक है, फिर वो कहने लगे कि आप विश्राम कीजिए, दोपहर में 12 बजे भोजन भी हम एक साथ ही करेंगे। वो 12 बजे आ गए, भोजन किया, फिर और कई विषय थे क्या क्या विषय मुझे पढ़ाना होगा। वो कहने लगे कि कोर्सेज ऑफ रीडिंग आपको स्वयं डिटरमिन करना है और इसमें यहाँ कोई कोर्स वो पहले से प्रेस्क्राइब नहीं है, तो क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है ये सब आपका निर्णय होगा। मैंने कहा ठीक है, ये सब बात हो गई तो चलेंगे। फिर वहाँ पर मेरा अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। मैंने सारे कोर्सेज ऑफ रीडिंग को डिजाइन किया, सिलेबस बनाया, बहुत परिश्रम किया मैंने वहाँ स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत की पढ़ाई तब प्रारंभ ये मेरे ही जाने के बाद हुई थी। राजकुमारी ने संस्कृत में MA करने में अपनी रुचि दिखाई थी, तो फिर वो पढ़ाने लग गया और साथ साथ में फिर मैं थाई भाषा में संस्कृत की शब्दावली इस पर भी मैं कार्य करने लग गया। फिर इसके बाद संस्कृत अभिलेख में भी मेरी रुचि हुई। उसका भी एक प्रसंग है, वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। मेरे पहुँचने के लगभग 1 महीने के बाद वहाँ एक और विश्वविद्यालय है जिसका नाम है वो शिल्पा कौर विश्वविद्यालय। उच्चारण में शिल्पा कौर है, लिखने में शिल्पा कर है। वहाँ इस तरह की पद्धति हाइटस है क्योंकि उच्चारण और तरह से किया जाता है, लिखा और तरह से जाता है। उसने लिखा तो मूल संस्कृत रूप में शिल्पाकर, शिल्प का आकर। वो भी उसी तरह की स्थिति है जैसे मैंने अभी पहले चर्चा की थी कि किसी एक विशेष विषय के अध्यापन के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की जाती थी, बाद में फिर दूसरे जो विषय हैं सो उनका अध्यापन भी प्रारंभ हो जाता था, तो वो मल्टीफैकल्टी यूनिवर्सिटी बन जाती थी। वो मल्टीफैकल्टी यूनिवर्सिटी है विद एन एम्फेसिस ऑफ कोर्स यू नो ऑन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। तो वहाँ के एक अध्यापक हैं वो मेरे पास आए और उन्हें पता चला कि भारत से विद्वान आए हैं, तो वो कहने लगे देखिए हमारे यहाँ संस्कृत की पढ़ाई तो होती नहीं है, हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है तो उसके अंतर्गत वो इंस्क्रिप्शंस की शिक्षा दी जाती है उसमें, जैसे कंबोडियन इंस्क्रिप्शंस, थाई इंस्क्रिप्शंस। तो
हम लोगों की इच्छा है कि एक कोर्स संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया पर स्टार्ट किया जाए और उसके लिए हम आपकी सेवाएं चाहते हैं। मैंने कहा जी उलारक कल्प है, बहुत अच्छी बात है। और एक संयोग की बात है कि एमए में एपिग्राफी ही मेरा विशेष विषय था, तो मेरे लिए कोई कठिनाई नहीं थी। वहाँ मैंने उस विश्वविद्यालय में संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया ये कोर्स भी पढ़ाना प्रारंभ किया और दो दो विश्वविद्यालय में मैं ये पढ़ाने लगा। अब दूसरे विश्वविद्यालय में सर पकवान विश्वविद्यालय में तो केवल सेवा भाव से था, क्योंकि वेतन तो मुझे एक ही विश्वविद्यालय से मिलना था, दो जगह से तो मैं ले नहीं सकता था। लेकिन ठीक है, मैंने कहा कि इनके मन में ये भाव का उदय होना कि हमें संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया पर एक कोर्स स्टार्ट करना चाहते हैं, कम से कम संस्कृत इंस्क्रिप्शन तो है, तो ठीक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ये कोर्स भी पढ़ाऊंगा। दो पढ़ाया मैंने और देखिए भगवत कृपा ऐसी हुई कि जिस विश्वविद्यालय में संस्कृत सर्वथा नहीं थी, आज उस विश्वविद्यालय में एक संस्कृत स्टडी सेंटर की स्थापना हुई है, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र संस्कृत का केंद्र है। और इस समय थाई देश में जितने भी संस्कृत के अध्यापक हैं, जिस जिस विश्वविद्यालय में हैं, वो सब मेरे छात्र। तो एक पृष्ठभूमि मैंने बना दी और आज एक संस्कृत के वहां का वातावरण बन गया है। तो ये मेरा वहां काम रहा और फिर मैंने अपने को और बहुत से काम में लगा दिया। संस्कृत इंस्क्रिप्शंस की जब बात आई तो मेरे मन में आई, मैंने कहा कि देखते हैं थाई देश में भी कोई संस्कृत इंस्क्रिप्शन है कि नहीं। कंबोडिया के विषय में मुझे ज्ञात था, आसिम मजुमदार ने एक संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ कंबोडिया नाम की पुस्तक प्रकाशित की थी और प्रोफेसर जॉर्ज सीडेस का जो फ्रेंच में वर्क है वो भी मैंने देखा था। तो मैंने कहा कदाचित यहाँ भी संस्कृत के इंस्क्रिप्शन होने चाहिए, क्योंकि ये भी दक्षिण पूर्व एशिया का ही एक देश है। तो मैं उनके अन्वेषण में प्रवृत्त हो गया और मुझे ये नहीं पता था ये इस तरह का कार्य होगा कि इसमें एक के बाद एक मुझे इंस्क्रिप्शन मिलते चले जाएंगे। नदी मुखी ने वो समुद्र में आविष्ट, तो मैं तो उसमें समुद्र में प्रवेश कर गया और उनके खोज में लग गया। तो दूर दूर जगह पर मैं गया, गांव में देहातों में नदी नाले पार करके एक यात्री की तरह से मैं निकल पड़ा। अकेला ही जाता था, मतलब एक बड़े विचित्र विचित्र अनुभव भी हुए वहां पर मुझे और अपने जीवन को मैंने संकट में भी डाला इस महान कार्य को करने के लिए। अच्छा, वहां पर ऐसा है कि वो जो गांव देहात है उसमें यातायात की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है, वहां नदी नाले बहुत हैं, वर्षा बहुत होती है, तो छोटे छोटे रिवलेट्स हैं, तो उनको पार करने के लिए लोग क्या करते हैं कि एक पेड़ लिया और पेड़ का तना वहां पर डाल दिया उसको, वो लोग वो गोल होता है, लोगों का तो स्थानीय लोगों का अभ्यास है, उस पर उचल लेते हैं। अब हम लोगों को तो इसका अभ्यास है नहीं, मैं उन पर भी चलता था और चलना पड़ा मुझे। तो अब हर समय संकट बना रहता था, कहीं पांव फिसल गया तो ये तो नहीं कि भी मेरे शरीर की कोई हानि हो गई, लेकिन और माल की भी हानि हो सकती थी, क्योंकि उस समय तीन चीजें मेरे हाथ में हुआ करती थी। एक तो कैमरा चित्र लेने के लिए, दूसरा एक डायरी जो जो मैं देखता था उसको नोट करता जाता था, और तीसरा मेरी को थाई स्थानीय व्यय के लिए। और यदि पांव फिसल गया तो बस फिर वो भी गई सब चीजें और शरीर की क्षति होगी वो बात अलग है, क्योंकि नीचे उसमें पत्थर हो सकते हैं कहीं भी और चोट लग गई कुछ भी हो। और कई बार ऐसा हुआ कि कुछ असामाजिक तत्वों से भी जो है मेरा टकरा हो गया। एक दिन के बाद मैं जा रहा था बिल्कुल देहात के क्षेत्र में, तो दो तीन लोग पीछे लग गए मेरे। अब वो आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, ये विदेशी है, अमुक है, ये सब। तो मैं कोई भयभीत हुई, वो अनजान प्रदेश है, यानी क्या करें क्या ना करें। तो मैं मुझे अपनी गति धीमी की और तब तक मेरे बिल्कुल पास में आ गए, तो
मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मैं भारत से आया हूँ और एक अनुसंधान कार्य को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जिस प्रसंग से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो मैं अध्यापक हूँ, मां गुरु के प्रति अपार श्रद्धा है। जैसे ही उनको पता चला कि ये गुरु आचार्य कहते हैं वहां पर, गुरु के लिए क्रू है शब्द है और आचार्य शब्द अधिक प्रचलित है। आचार्य आचार्य, मैंने बताया वो जो य है, य का वहां उच्चारण होता नहीं, तो र अंतिम र को न की तरह से उच्चारण करना है, ये टाइपोलॉजी है, ध्वनि पद्धति। तो वो आचार्य कहते हैं आचार्य। तो मैंने कहा कि आपको आचार्य, तो महाविद्यालय चलो को आप अच्छा आप आचार्य हैं, आचार्य हैं। तो उन्होंने बड़ी बड़ी श्रद्धा पूर्व प्रणाम किया और इसके बाद अपने रास्ते चले गए। तो मैं, मेरी जान बची और मैं आगे चलता चला गया। तो इस तरह के कुछ प्रसंग भी हुए बीच में। एक बार ऐसा हुआ कि एक कहीं विवाह हो रहा था, मछुआरों का कोई गांव था, तो उसमें एक वो गाना बजाना चल रहा था, नाच झूम रहे थे। तो मैं उस वर्ष में वहां चला गया, तो देखने लोग का विवाह किस तरह से होता है, क्या है, क्या करते हैं उसमें। तो वो लोग मेरे बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि मैं थाई भाषा बोल लेता था, तो बहुत मेरे लिए कठिनाई नहीं होती थी और मुझे वो आत्मीय के रूप में ही ग्रहण करते थे। तो फिर वो वहां जब गया तो सब लोगों ने कहा कि भारत से आए हैं, भारत के प्रति, भारत के प्रति बहुत आदर है, वहां पर भगवान बुद्ध की भूमि है ये मान करके। तो उन्होंने कहा कि साबर या कोई ये सब बहुत सी चीजें खाने के लिए बना रखी थी, उन्होंने मांसाहारी हैं सब। तो मैंने कहा मैं तो मांस खाता नहीं, मैं तो शाकाहारी व्यक्ति हूँ। तब तो उन्होंने कहा आप क्या ले लेंगे, तो चिंता में पड़ के कह लेंगे अच्छा आपके लिए फल की हम व्यवस्था करते हैं। तो फल ले आए बहुत सारे ढेरों फल ला करके, मैं तो एक आध केला या और कोई हुआ जो फल है वो ले लेता। बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे हमारा विवाह जो है बहुत आनंद से संपन्न होगा, आप आ गए अप्रत्याशित रूप से, भारत से आए हैं आप। तो इस तरह के भी बड़े रुचिकर अनुभव हुए, बड़े आनंददायक वहां पर अनुभव हुए। इसी तरह का एक और अनुभव था मेरा। मैं हाँ जैसे मैंने सौंध्य की चर्चा की थी, तो उसी प्रसंग से ही है ये कि वो एक ही सौंध्य हुए, एक ही वाहन वहां जाता है और एक ही वापस आता है। तो वहां पर हालांकि जाता तो मैं अलग अलग जगहों पर इंस्क्रिप्शंस की अभिलेखों की खोज में, लेकिन वहां पर और भी तो चीजें मुझे देखने को मिलती थी, तो मैं उनकी भी रिकॉर्डिंग कर लेता था। जैसे वहां कुछ मंदिर हैं, तो मंदिरों में तो हमारे पुराणों के आख्यानों के दृश्य हैं, या और जो हमारे इस तरह के जो आख्यान हैं उनके दृश्य हैं, तो उन सब के विचित्र ले लेता था। तो उसी में ही जहाँ मैं गया था, तो वहाँ मुझे वहाँ काली मर्दन का एक दृश्य दिखाई दिया। तो वो उस तरह का दृश्य मैंने अन्यत्र कहीं नहीं देखा। एक जैसे एक तना सा होता है, जैसे पेड़ का तना, उस रूप में दोनों तरफ इसके फण बने हुए हैं, इसके दाएं और बाएं, फिर कुछ और थोड़ी ऊंचाई पर फिर जो है हाइट, तब फिर उस पर ये फण बने, फिर और बने हुए, फिर और इस तरह से करके जो है वो तना जो है वो पहले जो है वो लघु आकार का होता है, फिर आकार बढ़ता जाता, फिर और बढ़ता जाता, अंत में सबसे ऊपर करके एक हॉलो जैसा बन गया है। और भगवान वहां पर प्रसन्नता की मुद्रा में चलते हुए दिखाई गए। वो जो है वो काली है, जिसके दोनों तरफ फण हैं और एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऊपर करके दोनों साइड पर, राइट लेफ्ट। मैं उस दृश्य को देखने में इतना मग्न हो गया, मुझे ये समय का ध्यान नहीं था, और क्योंकि मैं उस दृश्य को आंखों में भर लेना चाहता था। चित्र तो मैंने लिया उसका, लेकिन उसको मूल रूप में देखना और होता है और चित्र के माध्यम से देखना और होता है। तो मैं अब उस दृश्य के दिव्य दृश्य के सामने था। मैं तो जितना भी अधिक से अधिक समय उस चित्र को देखता रहूं, यही मेरी इच्छा थी। परिणाम यह हुआ कि वो 3 बजे का समय, जिस समय उस वाहन ने वापस जाना था बधाई सौ में, जो वहां के निकटतम वहां का निकटतम शहर था, जा चुका था।
अब मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था कि रात वहां बिताई जाए। तो मैं गांव के प्रधान के पास गया और मैंने वहां कहा, मैंने कहा मैं भारत से आया हूँ, यात्री हूँ, इसी प्रसंग से आ गया था, अब रात मुझे यहाँ बितानी है, वाहन तो जा चुका है। तो कहा जी कोई घटना नहीं, आप हमारे अतिथि हैं, हमारी आ जाइए। तो अब हम बिस्तर इत्यादि का वो लोग प्रयोग नहीं करते हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं, सुबह सो जाते हैं, लेट जाते हैं। कहिए ये जगह आपकी, आप यहाँ विश्राम करें। अब भोजन की बात है तो भोजन में तो मैंने कहा मैं तो शाकाहारी हूँ। तो उनको कुछ चिंता सी होने लगी कि क्या करेंगे। तो मैंने कहा देखिए बिल्कुल आप चिंता मत करिए, आपके यहाँ दूध होगा। हाँ नहीं, मैंने कहा चावल है कि हाँ चावल तो है, चावल तो हमारा मुख्य आहार है। और मैंने कहा शक्कर भी हो गया, हाँ वो भी है, हो गए ये तो उसको चाहिए, बाकी फल हो जाए। इतने में पूरे गांव में ये समाचार फैल गया कि भारत से ही यात्री आ गए। फिर जो सारे पर बूढ़े बच्चे महिलाएं पुरुष सब वहाँ एकत्रित हो गए, इसी प्रधान के घर में सब नंगे गंगे सब। हाँ मैंने पूरा गांव का मैंने सब चित्र लिए हैं, मेरे पास हैं वो। तो बड़ी चर्चा चलती रही, रात के 12 बजे बज गए, सब लोग तरह तरह के भारत के बारे में प्रश्न करे, जिज्ञासाएं थी, ये थी महिलाएं जो है भी ये सिंदूर लगाती हैं तो उसमें या ये टीका लगाती हैं, ये सब जिज्ञासा महिलाओं की। तो ये सारी बातें होती रही। 12 जब बजे तो सब शयन करने के लिए जाना था, तो सब अपने अपने घर चले गए, फिर मैं वहीं पर लेट गया। सुबह मेरे जब प्रस्थान का समय आया तो उस समय सभी लोग फिर एकत्रित हो गए गांव के। तो तब गांव के प्रधान ने जो शब्द कहे मैं उससे बहुत द्रवित हुआ। उन्होंने यही शब्द कहे, मैं उसका अनुवाद करके बताता हूँ। कहने लगे भारत से आए हमारे यात्री, हमारे साथी, हमारे मित्र। तीन शब्द कहे, यात्री, साथी, मित्र। यदि भविष्य में भूल करके भी आपका इधर आना हो तो हमारे गांव में आना मत भूलिएगा। मैंने कहा असली भारत तो यहाँ बसता है। हम लोग बैंकॉक में, चंगमाई में और इधर इधर फुकेट में सब घूम घाम के चले जाते हैं, और असली भारत को हमने कभी देखा नहीं, जानते भी नहीं देखा। तो ये इस तरह के वहां अनुभव हुए। फिर मैंने सारे वो इंस्क्रिप्शन का संग्रह किया, फिर ग्रंथ प्रकाशित किया, संस्कृत इंस्क्रिप्शन ऑफ थाईलैंड, द फर्स्ट स्टडी विच हैज बीन कैरिड आउट यू नो फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू, फ्रॉम हिस्टोरिकल, कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी, हर दृष्टि से मैंने अध्ययन किया। वो पहला एक अध्ययन है। इससे पहले मैंने थाईलैंड पर और भी बहुत काम किया था, उसका भी संक्षेप में मैं वर्णन कर देता हूँ। मेरे पास कहने को बहुत है पर समय की कमी होती है। तो ये विषय इस तरह के हैं कि मैंने इन सब विषयों को जिया है, इसलिए अपने प्रवाह को कई बार मुझे रोकना कठिन हो जाता है, लेकिन फिर अपने पर अंकुश लगाता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह का नहीं, उस कवि की तरह नहीं जिसने ये कहा था कि काल हो या निरवधि, मेरे लिए तो काल की अवधि है, सीमा है, तो मुझे उस सीमा का पालन करना ही होता है। वो सब ये पहला मेरा जो ग्रंथ था वो था स्टडीज इन संस्कृत इंडियन कल्चर इन थाईलैंड, ये विषय था। दूसरा मेरा एक काव्य है थाई देश विलासम नाम का, उसकी भी रचना बड़े विचित्र ढंग से हुई। मैं एक दिन वहाँ आने के बहुत दिन बाद की बात नहीं है, लगभग 1.5-2 महीने हुए होंगे, तो मैं वहाँ के नेशनल लाइब्रेरी में गया। वहाँ होम समुद्र कहते हैं, समुद्र, समुद्र होम गृह, समुद्र गृह है वो, ज्ञान का समुद्र हुआ नहीं। तो वहाँ एक पांडुलिपि विभाग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर छूसक दीप यगसोन, मैं उनसे मिला और मैंने उनसे कहा कि क्या आपके पुस्तकालय में थाई देश पर संस्कृत में विरचित ग्रंथ
गद्य में या पद्य में है कि नहीं। तो उन्होंने कुछ मुस्कुरा करके कहा, कहेंगे नो आई डोंट हैव इट, बट प्रोफेसर व्हाई डोंट यू राइट वन। मैंने कहा ठीक है अच्छा। उसी दिन दोपहर में जब मैं घर वापस आया तो मैंने 5 पद्यों की रचना की जो मैंने अभी सुनाई भी थी आपको। दूसरे दिन कक्षा में राजकुमारी ने आना था पढ़ने के लिए, वो विश्वविद्यालय में आते थे, मैं राजमहल में नहीं जाता था, वो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। तो वहाँ पर कक्षा 2 घंटे एक साथ चलती है, 9 से 11, 11 से 1 हमारी तरफ की, वहाँ 1 घंटे की या 50 मिनट की या 45 मिनट की क्लास नहीं होती है। तो 2 घंटे तक जब क्लास चल लेती है तो उसमें ये कि जहाँ अध्यापक थकता है वहाँ पर विद्यार्थी भी थक जाता है, और विशेष करके जबकि भाषा भी नई हो, विषय भी नया हो। जब कक्षा समाप्त हुई तो मैंने राजकुमारी से कहा, मैंने कहा योर रॉयल हाईनेस इफ यू डोंट फील टायर्ड आई वुड लाइक टू रिसाइट 5 स्टैंजास विच आई हैव कंपोज्ड ऑन योर कंट, कैन यू जस्ट प्लीज डू। मैंने वो 5 पद्य सुना दिए। अस्तेशियाना मनि सुप्रसिद्धि द्वीपे विशालेति विशाल कीर्ति आग्नेय दिग्मंडल मौलीभूत देशोति रम्यो भुवि थाईलैंड श्यामेति नामात पुराणमस्य ख्यातं पुराणादिषु यद्विहाय थाईति जात्यद्भुषि तत्व हेतुर्यं थाईलैंडं कथयन्ति लोकाः। राजा प्रजारञ्जनमादधानः सर्वात्मना बुद्धवच प्रमाणः अतुल्य तेज पदमींदधान प्रशास्त्रियं भूमि बलाभिधान देशस्य तस्यास्ति वृषं विशाला देशस्य तस्यास्ति वृषं विशाला कंठे भुव शुभ्रतरेव माला कंठे भुव शुभ्रतरेव माला ऐश्वर्य सौंदर्य विलास धानी बैंकाक नामने कल राजधानी। बड़ी प्रसन्न हुई राजकुमारी, कहने कि मैंने उनसे इससे पहले बात कर ली थी, मैंने कहा कि अभी तो मैंने 5 पद्यों की रचना की है पर मेरी इच्छा है पूरे काव्य की ही रचना करने की। तो कहने प्रोफेसर डू कंपोज द काव्य एंड आई विल ट्रांसलेट इट इन थाई। अब मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव था कि थाई देश की राजकुमारी ये कह रही है कि उसका अनुवाद करेंगे, तो मैं लग गया उसका। मैंने फिर पूरे काव्य को पूर्ण किया, पूर्ण करने पर भेज दिया पैलेस में। तो उन्होंने पहले तो कहा उन्होंने कि मैं पद्यानुवाद करूंगी, फिर पद्यानुवाद नहीं किया, फिर गद्यानुवाद कर दिया, तो गद्यानुवाद के साथ वो प्रकाशित हो गया। ये एक काव्य में मैंने लिखा थाई देश विलासम। अब उसका थाई में अनुवाद भी हो गया है और तेलुगु में भी अनुवाद हुआ है। तो कल तेलुगु में अभी जो हमारे रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का तो वहाँ एक अध्यापक है, उन्होंने उसका अनुवाद किया। वो ढंग से अनुवाद किया कि प्रत्येक पद्य जो है जिसमें जिस जिस दृश्य का वर्णन किया उसका चित्र भी दिया साथ में उन्होंने। तो वो शतक है या एक शतक से 10 अधिक है, शायद 110 है, तो 110 चित्र है उसमें। ये नया प्रयोग उन्होंने किया उसमें। तो ये मेरा दूसरा ग्रंथ था थाईलैंड पर। और तीसरा फिर था क्योंकि मैंने बताया कि वहाँ पर इंस्क्रिप्शंस की खोज के साथ साथ वहाँ पर जो मूर्तियाँ होती थी, जो पौराणिक दृश्य थे वो यथातथ अंकित होते थे दीवारों पर, गेबल्स पर, पिलर्स में, तो उनके भी चित्र ले लेता था। तो वो ग्रंथ में मेरा प्रकाशित हुआ ओल्ड ब्रह्मणिकल श्राइन्स ऑफ थाईलैंड, वो प्रकाशित हो गया। उसका लोकार्पण इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स में हुआ। उसमें थाईलैंड के राजदूत तत्कालीन थे, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। और फिर एक और मैंने ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ की रचना के विषय में एक प्रसंग है, वो मैं यहाँ उपस्थित करना चाहता हूँ। वो प्रसंग ये था कि वहां पर एक कम्युनिटी है जो अपने आप को ब्राह्मण कहती है। तो उस कम्युनिटी के बारे में कहीं भी एक अक्षर भी मुझे
लिखा हुआ कहीं मिला नहीं। तो मुझे जिज्ञासा थी उसके बारे में, उस कम्युनिटी का क्या इतिहास है और उनके अपने राजगुरु हैं, राम राजगुरु की परंपरा किस तरह की है, उनके अपने विधि ग्रंथ हैं और उनके अपने रीति रिवाज हैं और उत्सव आदि हैं। तो उन सब के विषय में मैं जानकारी हासिल करना चाहता था। तो अब मेरे सामने और कोई उपाय नहीं था कि मैं राजगुरु जी से स्वयं मिल करके उनके बुक से उनके कम्युनिटी के बारे में बातचीत करता। मैं उनसे मिलने के लिए गया। वहाँ एक ब्राह्मण मंदिर है, बुद्ध फ्राम कहते हैं उसको, ब्राह्मण के लिए फ्राम शब्द है, वहाँ ब्राह्मण का ही वो परिवर्तित रूप है। तो उस मंदिर में उनका आवास भी है और एक बगीचा है जिसमें औषधीय जड़ी बूटियां हैं वो उगाई जाती हैं। मैं जब मिला तो वो कहने की देखिए ये है कि स्थिति के दिन के समय तो मैं तत्त विधियां संपन्न करने के लिए जाता हूँ, रात को 9 बजे मैं वापस आता हूँ, 9 बजे के बाद स्नान करके भोजन करके मैं 10-10:30 बजे निवृत्त हो पाता हूँ, आप 11 बजे मेरे यहाँ आ जाइए। मैं जहाँ उनका आवास था या ब्राह्मण मंदिर था वहां से एक सुखमवित नाम की एक जगह है, सुखमवित के बारे में बताता हूँ वो क्या है। तो वहां रहता था और दोनों में मेरे आवास और बीच में लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस था। बैंकॉक का बड़ा बहुत हैवी ट्रैफिक होता है, लगभग 1 घंटा मुझे पहुंचने में लग जाता था। तो मैं 10 बजे अपने घर से निकलता था, 11 बजे के लगभग जो उन्होंने समय दिया था मैं ठीक पहुंच जाता था और 11 बजे भी हमारी चर्चा प्रारंभ होती थी जो कभी 1 बजे तक कभी 2 बजे तक भी चलती थी, निरंतर चलती थी। डायरी मैं अपने साथ में रखता था और आई वुड बी राइटिंग फ्यूरियसली बिकॉज एवरी वर्ड यू नो इफ आई मिस यू नो दैट विल बी मिस्ड, वो इन्फॉर्मेशन फिर भाई नहीं मिलने वाली थी। तो वो इसी तरह से वो चलता रहा, हफ्तों बीत गए, महीनों बीत गए, ये चर्चा चलती रही निरंतर। और कब रात का समय होता था, कभी भूख लगती थी तो कभी 1 कप दूध पी लिया, कभी 1 केला ले लिया खा लिया, और चर्चा करते। ये चर्चा करके मैं 1 बजे या 2 बजे वहां से प्रस्थान करता था, 1 घंटे में घर पहुंचता था 3 बजे के लगभग, और सुबह 8 बजे फिर मुझे यूनिवर्सिटी में पहुंचना होता था क्लास लेने के लिए। तो ये श्रम मैंने किए हैं, ये साधना रही है मेरी। तो फिर मैंने सारी जो सामग्री संकलित की थी जो वाचिक रूप से मुझे उपलब्ध हुई थी मैंने उसको ग्रंथ का आकार दिया और एक ग्रंथ हिंदी में तब लिखा था मैंने, मिथाई देश के ब्राह्मण चित्रों के साथ सचित्र प्रकाशित हुई द फर्स्ट स्टडी ऑफ इट्स काइंड ऑन द ब्राह्मण कम्युनिटी ऑफ थाईलैंड। उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, राज्याभिषेक की तिथि का भी निर्णय जो है वो महाराज गुरु करते हैं और संपन्न भी वही करते हैं, उनका भी वही राजसूय पद्धति से ही विवाह होता है, ये अभिषेक होता है, विवाह आदि भी उसी पद्धति से होता है। तो ये सब है हमारी कम्युनिटी के विषय में। मैं चाहता हूँ कि जो और लोग हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए, अगर इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाए तो और अच्छा हो। उन्होंने जो मुझसे बात की, जो सतीश पावा नाम है वो सतीन करके उन्होंने अपना नाम रख लिया, सतीश सतीन कुमार। तो वो मेरे भी अच्छे अंतरंग मित्र थे, तो उन्होंने महाराज गुरु की इच्छा मुझे प्रकट की कि वो ये चाहते हैं कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाए। भारत में आया हुआ था मैं, तो मैंने इधर उधर दृष्टि डाली, मैंने कहा कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो कि इसका अनुवाद कर दे, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दी। फिर एक बार बैंकॉक मेरा जाना हुआ तो राजगुरु एक ऐसे कार्यक्रम में आए हुए थे, तो यानी मेरे वो सामने मेरे पड़ गए, तो उन्होंने फिर अपने ही मुख से कह दिया कि मैं चाहता हूँ कि जो ग्रंथ आपने हिंदी में लिखा है तो उसका अंग्रेजी में भी अनुवाद करवा दिया जाए। उन्हें करिए ये नहीं कहा, करवा दिया जाए कहा। मैं भारत में आया, मैंने सोचा, मैंने कहा कि ये उनकी इच्छा है और उनका वो स्थान है जो हमारे यहाँ शंकराचार्य जी का है,
और शंकराचार्य जी यदि किसी को आदेश देते हैं तो हमें उसका पालन करना ही है, वो हमारे धर्म गुरु हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोई और नहीं कर पाए तो मैं ही स्वयं क्यों ना करूं उसे। तो मैंने पहले जून की बात है मैंने कलम ली, 30 जून को मैंने कलम रखी, अज्ञात का अनुवाद पूर्ण हो चुका था। अब प्रकाशन की बात आई, उसको प्रकाशन कौन करे, पहले जो था देश का ब्राह्मण था, ये जब हिंदी में लिखा गया था उसका प्रकाशन परिवल पब्लिकेशन ने किया था। तो अब मैंने कहा यदि कोई और प्रकाशक होगा तो फिर उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ये हनुमान को मूल ग्रंथ का है ना, मूल ग्रंथ के प्रकाशक और हैं, और यदि कोई दूसरा प्रकाशक वो तो फिर उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और आगे क्या स्थिति होती है क्या नहीं, वो कोई डिमांड में क्या माने। मैं इसी ऊहापोह में था, मुझे संदेह था कि कदाचित ये परिबल पब्लिकेशन उसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करना स्वीकार करे ना करे। इसी ऊहापोह में मैं गया तो ये परिबल से मिला, ये कन्हैयालाल जोशी जो है वो मेरे छात्र रहे थे, तो वो दिवंगत हो चुके थे तब तक, और ये जो बेटा उनका ये परिमल है, तो मैं इससे मिला जाकर के। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भी मैंने इसका अनुवाद किया है, इस ग्रंथ का है, तो इसे प्रकाशित करना है। कहते हम ही करेंगे, तो बड़े उत्साह से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आपके पास सारी समस्याएं सुलझ गई, तो न कॉपीराइट की समस्या न उसके परमिशन की न रॉयल्टी की, सब तो मैंने कहा ठीक है आप प्रकाशित कीजिए, तो जी उन्होंने प्रकाशित कर दिया। फिर अभी 5 वर्ष पूर्व की बात है कि राजकुमारी दिल्ली में आई थी, उनको जो पुरस्कार दिया गया था ICCR की ओर से, वर्ल्ड सब प्राइस, तो उस अवसर पर जो उसका अंग्रेजी अनुवाद था उसका भी लोकार्पण किया था उन्होंने राजकुमारी। तो ये इस तरह के ये कार्य हुए। फिर अभी हाल में अभी मेरा एक ग्रंथ और प्रकाशित हुआ है, और वो महाराज कुमारी पर ही है, उसका शीर्षक है हर रॉयल हाइनेस महाजगत्री प्रिंसेस सिरिंथॉन अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, तो वो ग्रंथ प्रकाशित हो गया है। और फिर रामायण पर था, रामायण पर भी मेरा एक कार्य संपन्न हो जी गया, प्रकाशित भी लगभग हो गया संध्या। जो मेरे एक बृहद योजना दक्षिण पूर्व एशिया में राम कथा है, दक्षिण पूर्व एशिया में रामायण, तो वो तो अनेक खंडों में प्रकाशित हो गई। तो पहला खंड जो है उसका वो था ही रामायण पर, जिसे महाराम कहा जाता है, उस पर है साहित्य अकादमी उसका प्रकाशन कर रही है।